आगामी विधानसभा चुनाव में इनेलो बसपा गठबंधन की बनेगी सरकार। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा, सत्ता में आने के बाद युवाओं को पूर्ण भागीदारी दी जाएगी। इनसो राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद में युवाओं को पूर्ण भागीदारी दी जाएगी, साथ ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए निजी कंपनियों में 50% आरक्षण दिया जाएगा। चौटाला आज मीडिया संयोजक एवं अधिवक्ता हरदीप पांडला के निवास स्थान पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इनसो नेता ने कहा कि सम्मेलन में लेकर के देश के हर जिले में युवाओं का काफ़ी उत्साह है और हर जिले में 8 से 10 हज़ार युवा छात्र रैली की में शिरकत करेंगे। छात्र राजनीति में उत्तर भारत में सबसे बड़ी रैली करार देते हुए चौटाला ने कहा कि कैथल में आयोजित होने वाले इनसो स्थापना दिवस ऐतिहासिक रैली होगी। यह रैली राजनीतिक बदलाव के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि अकेले कैथल जिले में ही 35,000 युवा इसमें भाग लेंगे। इस स्थापना दिवस सम्मेलन में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी शिरकत करेंगे और उन्होंने कहा कि इनको सम्मानित करने के लिए भी इनसो काम करेगी। इसके अलावा दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि 10वीं और 12वीं में प्रदेश भर के टॉपर विद्यार्थियों को लैपटॉप देकर सम्मानित किया जाएगा और इसकी शिक्षा का सभी खर्च इनसो द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त की रैली में प्रदेश भर की राजनीतिक एग्जिट पोल होगी। आप देख रहे हैं कैथल पलपल से नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। सभी लोग यहां पहुंच करके इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इनसो जो है उन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी, उन्हें ऑनर करेगी, उन्हें फैसिलिटेट करेगी और उसके साथ साथ हम ऑनर करेंगे 10वीं के और 12वीं के जो टॉपर्स हैं इस साल के। यहाँ उन्हें लैपटॉप दे करके हम सम्मानित करेंगे। उसके साथ साथ जैसा मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आने वाले समय में इनकी पढ़ाई का, शिक्षा का जो भी खर्च होगा वो सारा का सारा इनसो और हमारा जो संगठन है वो इसको बियर करेगा, इसको उठाने का काम करेगा। आज जो परिस्थितियां हैं, जो हालात बने हैं युवाओं के लिए और युवा का जो गुबार है, कहीं ना कहीं उसका केंद्र और इस सरकार के लिए जो एग्जिट डोर है वो कैथल की 5 तारीख की सभा तय कर देगी, उस दरवाजे को खोलने का काम कर देगी। सरकार समय समय पर अपने वादे से मुकरी है, चाहे वो छात्र संघ का चुनाव का मामला हो, चाहे एजुकेशन की बेटरमेंट के लिए काम करने की बात हो, चाहे बात हो इंफ्रास्ट्रक्चर की, चाहे बात हो नौजवानों के रोजगार की, चाहे बात हो बेरोजगारी भत्ते की, सरकार हर मुद्दे पर नौजवान पीढ़ी को बरगलाते आई है। एक एनार्किस्ट स्थिति है जब सिर्फ और सिर्फ दिशाहीन करने का प्रयास हो रहा है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बदलाव की आवाज़ उठी है और ये अंत तक जाएगी। बदलाव नौजवानों के नेतृत्व में हरियाणा में आना तय है। आपका कोई प्रश्न है इस मैं अगर आपसे भी पूछूं और अगर आप एक मिनट के लिए ये भूल जाएं कि आप पत्रकार हैं तो आप भी स्वयं इस बात को मानेंगे कि मनोहर लाल खट्टर इस लायक नहीं थे कि वो मुख्यमंत्री बन सके। एक ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई वार्ड का मेंबर बनने का भी एक्सपीरियंस ना हो और उसको बिठा करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया जाए, फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और ठीक यही हुआ, वो इतने इनसिक्योर हैं कि वो किसी दूसरे की तो चलने नहीं देते। कोई अगर काम बीजेपी में करना भी चाहता है तो उसे करने नहीं देते, कोई काम करवाना चाहता है तो उसे करवाने नहीं देते। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तहत, जिस बात का हमें ज्ञान है कि किसी भी एमएलए की एमपी की ना सुनी जाए, किसी मंत्री की तो विशेष तौर पर ना सुनी जाए। तो फिर वो भड़ास कैसे निकालते हैं, जैसे मंत्री आपके यहाँ पर आए, किसी डीओ को सस्पेंड कर दिया, किसी और अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। तो इसलिए काम किसी के नहीं बन रहे। मुख्यमंत्री इनसिक्योर है कि मेरी कुर्सी ना चली जाए, कोई और सीएम ना बन जाए। और इस सब के बीच में एक ऐसी स्टेट हरियाणा में पैदा हो गई कि हरियाणा असहाय महसूस कर रहा है, हरियाणा की जनता असहाय महसूस कर रही है। और ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ गवर्नेंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। तो इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हरियाणा को एक सशक्त मुख्यमंत्री चाहिए, एक ऐसे हालात में जब हरियाणा जात पात के नाम पर टूट रहा है, बिखर रहा है, एक ऐसे समय पर जब हरियाणा के भाईचारे को कायम करने की आवश्यकता है,
हरियाणा की गरीब जनता को सहयोग चाहिए, हरियाणा के दलित को सम्मान चाहिए, हरियाणा के बैकवर्ड को सम्मान चाहिए, और नौजवान पीढ़ी को रोजगार चाहिए, व्यापारी को सम्मान चाहिए। और ऐसा शासक अगर हरियाणा में कोई है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है, और अब तो आपको भी उम्मीद जग गई होगी कल के न्यूज़ पढ़ने के बाद, कि चौटाला साहब अब तो ये तो तय ही हो गया कि अक्टूबर में सेप्टेम्बर में वो हमारे बीच में होंगे, और निश्चित तौर पर वो लीड करेंगे पूरे कैंपेन को, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। मैंने उस बात को जो है ना कंप्लीट कर दिया इसी में, कि चौटाला साहब को राहत नहीं होगी, आज की खबर है ये। समाजवाद से जुड़ी जो भी विचारधारा और समाजवाद विचारधारा से जुड़े जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी है और अन्य राजनीतिक संगठन, पहले भी आते रहे हैं, भी इन के स्टाफ लीडर्स जो हैं शामिल होंगे, जैसे ही नाम तय हो जाएंगे हम आपके बीच में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ना केवल ओपोजिशन में है, ना केवल देश के लोगों में, बल्कि बीजेपी के अंदर भी लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो अविश्वास सब में है, अब ये देखने का इंतजार रहेगा कि ये अविश्वास फ्लोर पे कितना मजबूती से तय होता है और क्या सब निकल के इसमें सामने आता है। इनका मैंने भाषण में भी बाहर कहा था कि ये एनार्किज्म है, ये गुंडागर्दी है, ये हिटलर शाही है, और जब जब ऐसी राजनीतिक सोच इस देश में पनपी है तो लोगों ने उसे कड़ा जवाब दिया है। इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसा ही प्रयास किया था, उनका हर्ष क्या हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी का भी हर्ष ऐसा ही हो। हरियाणा सरकार उनकी है, जाट आरक्षण को बहुत लंबा समय बीत गया है और अभी तक भी ये नहीं बता पाए, सिर्फ ये कहना कि राजनीतिक साजिश थी, और सारी एजेंसीज काम कर रही हो, इंटेलिजेंस से लेकर के स्टेट की पुलिस तक, सब लोग इस बात को पता लगाने में लगे हों, तो पता तो लगाइए कौन है। वो हुड्डा जी पे बार बार इशारा करते हैं, अगर वो हैं इसमें इंडल्ज कहीं पे भी, तो फिर जो कल्प्रिट है उसको सजा होनी चाहिए। ये क्या बात है कि इसमें राजनीतिक साजिश है, हमें राजनीतिक बू आती है, पहले मेरा नाम भी दिया था, फिर दुष्यंत जी का नाम दिया था, तो हमारे जिस जो भी इसमें शामिल है, अगर अभी भी ये नहीं उसको खोज पा रहे, तो फिर ऐसे लोगों को, ऐसे कमजोर शासकों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम आएंगे सत्ता में और निश्चित तौर पर ये पता लगाएंगे कि इसमें कौन शामिल था, क्या पता बीजेपी के लोग शामिल हों, क्या पता बीजेपी के लोग शामिल हों। और हम तो इस बात को कहते आए हैं, हमें पूरा शक है इस बात पर कि राजकुमार सैनी अपने दम पर इतना सब कुछ नहीं कर रहे थे, वो स्पॉन्सर्ड थे, और उसके पीछे जो भी ताकत थी, उस दूध का दूध और पानी का पानी हम आने वाले समय में करेंगे। राजकुमार सैनी पर भी इंक्वायरी होगी और उन सभी लोगों पर इंक्वायरी होगी जो इसमें इन्वॉल्व हैं।